आज हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। तो आज हम लोग 8 तारीख है 10 और आज हम लोग निकल रहे हैं और मम्मी अपना पूजा का सामान रेडी कर रही है और यहाँ से निकलते हैं। 11 बज रहे हैं इस टाइम पे और बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि ग्रुप के बंदे ने लेट कर दिया। तो तिलक विलक कराते हैं और जल्दी से निकलते हैं। जय बोलेंगे, लव यू ऑल। मम्मी ने यहाँ पे अपनी थाली भी रेडी कर दिया है, बस अब तिलक विलक निकलवाते हैं, लगवाते हैं। आई एम सॉरी, मम्मी अपनी थाली लेके आ चुकी हैं। चलो करो, ओके। पहला काला फल क्यों? माला भी अति उत्तम आई है। कमाल तो ये होती है माला। चलो भाई चले चलो, जय बोले की। तो हम इससे जा रहे हैं, अगले साल भी इससे ही गए थे, मतलब पिछले साल भी इससे गए थे, लास्ट ईयर इससे भी। हम भी तैयार हो गया है, चले। मैं भी चल रही हूँ। हमारे अंकल जी, अंकल जी जा रहे हैं हम लोग। कुछ बोलना चाहोगे? बोलना चाह रहा हूँ, मेरे बच्चे महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं। ओए ओए, हरिद्वार भी वही महाकाल है बेटा। हाँ और क्या, महाकाल ही है। तो अंकल ने 13 तारीख को वापस आ जाओ बेटा। ठीक है, 14 को चल को यहीं मिलेंगे शाम को। हाँ 13 को शाम को आपको अंकल याद हो। हेलो भाई। ओके, तो हम लोग रुके मेरठ बाईपास पे, अभी यहाँ से थोड़ा रेस्ट लेके चलेंगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं रुड़की और थक गए हैं भाई बहुत ज़्यादा। और मेरी हालत देख के आपको पता चल रहा होगा, बारिश भी बहुत हो रही है यहाँ पे। एक एक भी तो अभी तक तो वो देखने को नहीं मिला, गीले की भैंस। चलो जय भोले। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं रुड़की। अब हरिद्वार पहुंचने में 7:50 हरिद्वार। तो गाइस एक जगह रुके पड़े हैं, चलो भाई। इतनी बारिश हो रही, इतनी बारिश हो रही, पानी पानी भर गया हर जगह। एक थोड़ी सी में जगह पर रुके पड़े, दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ रुके पड़े हैं, तो वो पार करते हैं, फोन करिए मुझे। बाहर देखो बारिश कितनी हो रही है, तो फोन कर, पार होती ना टोल, बहुत बारिश हो रही है। तो हम लोगों ने हरिद्वार में एंट्री कर चुके हैं और बारिश देखो एक बार, और जाम देखो, और पूरे भीगे पड़े हैं। भाई को तो ठंड लगने लगी चलाते चलाते। How's the view?
कमेंट सेक्शन में बता दो और थोड़ा आगे तेज चलाओ भगत भाई के भाई से पूछते हैं। चला चला चला। तो ये अपना ऋषिकेश सब लोग ओके तो हम लोग अभी लक्ष्मण झूला आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं नीलकंठ। 24 घंटे की ट्रैकिंग सीधा होटल कुछ नहीं लिया, सीधा बाइक पर चले जा रहे बारिश में भीगे जा रहे बस। अब पीछे मेरे व्यू देखो क्या फाड़ हो रहा है व्यू। हाँ भाई जय बोलेगी बोल शंकर भगवान की जय। अभी तुम्हारा भाई कैसा लगा सक्सी? ये हमारे भगत भाई हैं। चलो बैठते हैं। तो रास्ता बहुत सेक्सी हो रहा है देखो। हम लोग अभी चाय वाय के लिए रुके पड़े हैं, चाय ब्रेक लिया हमने और अपना सब लोग ऑर्डर दे रहे हैं अपना वाला बढ़िया बढ़िया सा। मैं तो चाय पापे का ऑर्डर दूंगा और जय बोले कि थक गए बहुत ज़्यादा, सीधा नीलकंठ में जाके अपना होटल लेंगे। अभी सब संग करके सीधा वहीं जय बोले। तो भाई वो रहा हमारा नीलकंठ का मंदिर, यहाँ अपना जल चढ़ाएंगे और वो रहा हमारा होटल, हम कुछ खाने पीने आए मैगी वैगी, वहाँ से जाएंगे अपना सीधा घर, सीधा दिल्ली सॉरी हरिद्वार ऋषिकेश। ये देखो व्यू देखो इस टाइम पे। तो हमारे शिवम भाई प्रसाद दिला रहे हैं हमें। तो भाई बोले ले बोले ना बोले बोले हमने प्रसाद भी ले लिया। ओके तो मॉर्निंग का नेक्स्ट डे है और आज हम लोग जा रहे हैं नीलकंठ पे जल चढ़ाने। जल जल देखो भीड़ देखो कितनी हो रही है। तो भाइयों हमने दर्शन कर लिए अच्छे से, अब जा रहे हैं हम पार्वती मंदिर। चलो भोले तो हम इस वाले मंदिर में आए थे श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर। तो नीलकंठ के बाद यहाँ दर्शन करना जरूरी है, काइंड ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन। ठीक है भाई यहाँ जरूर आना। तो हम लोग अभी एक कैफे कह रहे हैं, एक चाय बार एक तरह से। ये देखो चाय समोसा यस। व्यू देखो पीछे सेक्सी है ना। ओके तो हमने मंगाया चाय समोसे भगत भाई 100 रुपए का एक समोसा बताओ यार, बहुत महंगी बात थी। 50 रुपए की एक चाय नीलकंठ की। बालों की दुकान थी क्या भगवान? समोसा खा रहे थे वो। एकदम हाइजीन खाना। ओ भाई भाई धूप पड़ दिया सही सेक्सी थी, इतने दिन बाद धूप देखने को मिली है। अभी तो नमक तो रह गया हमारी बॉडी को चाहिए। हमारे शिवम भाई बोले बोलो नमक तो वैसे यही चीजें याद आ रही है सारी। क्या क्या चीजें क्या चाहिए बोल नहीं सकते भाई ने व्रत रखा आज मोहन भरत। तो बनाया हमने आलू पराठा 150 रुपए का एक आलू पराठा। तो हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश यहाँ से 21 किलोमीटर है। किसे कितना है यहाँ से कितना किलोमीटर? यहाँ से 60 किलोमीटर नीचे फिर थोड़ी और चढ़ाई है, फिर ऋषिकेश में अपना लक्ष्मण झूला ये सब देखेंगे, फिर ऋषिकेश से हरिद्वार से जल उठाएंगे फिर जाएंगे। 60 किलोमीटर है यहाँ से बता दियो। हाँ बता दिया भैया। 40 किलोमीटर ओके थोड़ी
जय भोले की, मिलते हैं लक्ष्मण झूला पे। पैरों की हालत देखो एक बार कैसे हो गए पैर मेरे। जितने भाई बंधु आते हैं प्लीज अपना ध्यान से चलाया करो भाई। एक गाड़ी पलट गई है अभी इस टाइम पे, दिखाता हूँ। गाड़ी पलट गई है भाई, पूरी कार पलट गई है, पांच बंदे खाई में चले गए। देखो भाई हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं ऋषिकेश में, और मेरे पीछे गंगा माता रह गए। मैं नंगा क्यों होगा, रीज़न इज क्योंकि भाई टी शर्ट बार बार भीग जा रही है और गीले कपड़े पहने थे तो बाहर भी पड़ सकता हूँ, बस रीज़न यही है। एंड सी देखो, हर हर गंगे। तो भाई हम लोग मतलब वहाँ से चले थे नीलकंठ से, इतना जाम गाड़ी पलटने के बाद उसकी, और भाई पूरे रास्ते जाम ही जाम मिल पा रहा। गंगा मंदिर के बाद ऋषिकेश पूरा जाम में फंसा हुआ। रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग ने अभी एक रूम लिया है, और भाई होटल तो बहुत महंगे हैं यहाँ पे यार, और गंदगी इतनी है यार सोच नहीं सकते ऋषिकेश में, ओ हरिद्वार में सॉरी। तो मैं तो अभी भाई सोने जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। इग्नोर करना क्योंकि कपड़ों में से बहुत बदबू आ रही है भाई। कल जल उठाएँगे अपना और चलेंगे, जय भोले की, आई लव यू ऑल, बाय। मेरी आँख से पता चल रहा होगा आपको कि मुझे कितनी नींद आ रही है। चलो बाय। सो जाता, रूम बहुत महंगे मिल लेते हैं यहाँ पे, कम से कम 2 घंटे तो रूम ढूंढने में ही लगे हैं, 4,000 के 12 बजे के चेकआउट टाइम के रूम, नाइट के 4,000 लगे थे। तो अभी हमने एक रूम लिया है 12 बजे तक का, रात के नहीं सुबह के 12 बजे। चलो भाई, फेस की तो बैंड बच गई है, देखो आप। ओके सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम सेकंड डे हरिद्वार में, यहाँ स्टे कर रहा था हमने, और भाई बारिश हो रही है बाहर में भी, नाश्ता करने जा रहे हैं, हो रही है बारिश थोड़ी बहुत। हमारा होटल था, देखो एक बार कितनी हो रही है। भैया सुबह 10 बजे का सीन है बस, ये रहा हमारा होटल। तो अभी बाहर बहुत बारिश हो रही थी, इस वजह से हमने यहाँ पे होटल मंगा लिया अपना खाने वाने का। बाकी रूम की हालत देखो भाई साहब, बड़ी गंदी पड़ी है। आइए समोसे कचौड़ी, अब यहाँ से चल उठाएंगे, फिर जाएंगे यहाँ से, जा रहे हैं रेस तो एक नंबर है क्योंकि हम पहले भी आ चुके हैं। तो बोले यहाँ पे अब आ गए हम लोग, और हमारे साथ है आकाश भाई मेरे पीछे, जय बाबा की। तो हम लोग जा रहे हैं हर की पौड़ी पे, इस टाइम हम लोग नहाएंगे धोएंगे स्नान करेंगे जल भरेंगे और अपना फिर निकल लेंगे आगे के लिए, मुजफ्फरनगर में रुकेंगे। हाँ भाई, नाइट का बसेरा देखेंगे कैसे कैसे करना है, उसके बाद हम फिर आगे के लिए कल मेरठ रुकेंगे, मेरठ में डीजे देखेंगे, साउंड सुनेंगे, जिसका भी एक से एक साउंड आते हैं, बहुत लोगों को पैसा लगा के लाते हैं वो सब देखेंगे। हमारे शिवम भाई हैं हमारे साथ, बड़े भाई शिवम, उनको थोड़ा डीजे की नॉलेज है तो वही कर सकते हैं जो करना है, वही हमें बताएंगे कौन सा डीजे अच्छा है कौन सा बुरा है। बुरा। ओके गाइस, मिलते हैं नहाने के बाद। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मेरठ, यहाँ अपने पीछे जलबल रख दिए वहाँ पे, यहाँ से अपना जाएंगे धीरे 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 मुजफ्फरनगर। आज डे 2 है, तो थोड़ा आराम कर रहे थे, जल सब खा के यहाँ से जाएंगे। कहाँ पे भाई? मेरठ जाएंगे, मेरठ पहुँचेंगे कम से कम 3-4 घंटे में। पैरों की बैंड बजी पड़ी है मेरे पैरों में, बहुत दर्द है, अगर मीटर होता तो फट जाता है मीटर, इतना दर्द है। और धूप बताऊँ मैं, ऐसी धूप हो रही है ना, ऐसी धूप हो रही है भाई कड़क। बाकी चलो चलते हैं, जय बोले की
मेरठ के लिए निकले हैं 11:30 बजे। आगे देखेंगे क्या प्लान है। ये तो कैडी हो गया बोल बो लाइट लाइट खाना ही खा रहे हैं। 3 बार नहा चुका जिससे जय बोलेगी। ओके तो हम लोग मुरादनगर आ चुके हैं। शाम के 7 बज गए हैं, सुबह के निकले हुए 7 बज गए हैं, मुरादनगर आ गए हैं। पैरों की हालत देखो, वाह हाई लग गई है। रुक जाओ रुक जाओ, स्मार्टी बॉय और नीरज भवाना और शिवम चंदेल शिवम दिगान दिगान और कम है बहुत कम। ओके तो हम लोग आ चुके हैं अपने यहाँ पे। तो यह मेरे उधर का नियर बाय मंदिर है। शाम के बज रहे हैं 6 बज रहे हैं। जल चढ़ाने की तैयारी हो रही है, 8:30 बजे हम जल चढ़ाएंगे क्योंकि आज शाम का जल है ऐसा कह रहे हैं। बाकी मिलता हूँ मैं, बाकी बताता हूँ। तो बहुत ज़्यादा थक गया, अब आज से बोला भी नहीं। बाय। भाई बहुत मज़ा आया इस बार, दर्शन भी अच्छे हुए और क्या कहते हैं मज़ा भी घूमने में बहुत आया। बारिश में मिली थी बहुत, तो अपना जल चढ़ाते हैं। चढ़ा चढ़ा आप लोग स्वस्थ रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। बाय बाय, लव यू ऑल, जय महादेव।